आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें रात भर में संभाला और हमारे प्राणों की हिफाजत की और एक नई सुबह को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर भला है और वो हमें प्रतिदिन एक नई सुबह को दिखाता है। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 9 उसका एक पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है क्योंकि उसने हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया, हमारे कामों को बनाया और हमारे हर एक विपत्तियों से हमें निकाला। तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि जो सुबह आपने हमारे जीवन में दी है परमेश्वर। इस पूरी सुबह को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और आज के दिन को शुरू करने से पहले प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी उपस्थिति को परमेश्वर अपने साथ में चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, सबको प्रभु जी आपकी उपस्थिति में रखते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक के जीवनों को प्रभु जी आपकी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके जीवनों के लिए कि प्रभु धन्यवाद कि आप हर एक के जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करते हैं प्रभु। और प्रभु जी यदि आज की सुबह परमेश्वर कोई भी अपने काम को करने के लिए घर से निकलता है परमेश्वर पिता, प्रभु आपसे प्रार्थना है प्रभु हर एक के कामों को प्रभु जी आप सफल करें परमेश्वर पिता। और प्रभु सच में प्रभु हर एक प्रभु उस काम के लिए अपने पूरे मन से आपका धन्यवाद करें परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आप हर एक को हर एक की बीमारी से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक के बिगड़े कामों को परमेश्वर आप बनाए प्रभु जी। यदि प्रभु किसी के शादी का रिश्ता आज आता है प्रभु धन्यवाद कि आपने उनके रिश्तों को बना दिया। प्रभु धन्यवाद कि आपने हर एक के जीवनों में भलाइयों को दे दिया। प्रभु यदि कोई अपने एग्जाम्स को देने के लिए आज जाता है प्रभु जी, तो पिता आप उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु उस एग्जाम के क्षेत्र में प्रभु आप उसे वृद्धि और उन्नति दें, उनके जीवनों में आश्चर्य कर्मों को करें ताकि प्रभु वो आपका धन्यवाद कर सके परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन आपसे प्रार्थना है प्रभु यदि कोई भी प्रभु जी आज दिन में परमेश्वर पिता अपने नए कारोबार को शुरू करना चाहता है, यीशु मसीह उनके लिए दुआ है प्रभु कि आप हर एक के कारोबार पर अपना आशीष दें। आज की सुबह परमेश्वर हर एक के जीवनों में आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें प्रभु, अद्भुत ब्लेसिंग्स को प्रभु आप उनके जीवनों में दें प्रभु, ताकि हर एक प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करे, अपने पूर्ण मन से तेरे नाम का धन्यवाद करे प्रभु जी। यदि प्रभु जी कोई भी प्रभु अपने जीवन में प्रभु आज सुबह में प्रभु जी कोई भी नया काम शुरू करने के लिए जाता है प्रभु, यदि प्रभु परमेश्वर वो अपने प्रभु जमीन खरीदने के लिए जाते हैं या फिर प्रभु अपने मकान के लिए प्रभु आज के दिन में उन्होंने प्लानिंग रखी है प्रभु यीशु, उन प्लानिंगों को आप सफल करें प्रभु, उनके जीवनों में बड़े आश्चर्य कर्मों को करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन प्रभु परिवार के हर एक जन के लिए प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं आज की सुबह में प्रभु, आप हर एक को दुर्घटना से बचाएं परमेश्वर पिता, आप हर एक जानलेवा बीमारी से बचाएं परमेश्वर प्रभु। यदि घर से जो कोई भी बाहर जाते हैं प्रभु उन्हें आप अपने सुरक्षा दायरे में रखे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की सुबह में हर एक के काम में, हर एक के पढ़ाई में, हर एक के जीवन में और हर एक के स्वास्थ्य में प्रभु आपका आशीष हो प्रभु, और हर एक के जीवनों में प्रभु जी आपका आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। और पिता हर एक प्रभु अपने जीवन से प्रभु आपको पूर्ण रीति से धन्यवाद दे सके प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, और सबको आशीष देते हुए प्रभु आप आज पूरे दिन भर में प्रभु हर एक के साथ में प्रभु, आपका आत्मा हर एक को गाइड करे, हर एक के मार्ग में परमेश्वर आप उसके संग संग चलिए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।